ओके तो फ्रेंड, जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में वीडियो देखा, तो इस टाइप का वीडियो इंस्टाग्राम रील्स पर बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है। आज के इस वीडियो में आप लोग को मैं इस वीडियो का ट्यूटोरियल सिखाने वाला हूं, तो वीडियो पे अंत तक बने रहें। एंड वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, थोड़ा सा वीडियो देख कर चले जाते हो, तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देख लिया करो। मैं इतनी मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बना कर लाता हूँ, एंड आप लोग को मैं रील्स से ट्रेंड एंड जो भी वीडियो आता है मैं उसी का ट्यूटोरियल आप लोग को वीडियो में सिखाता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देख लिया करो। एंड हमारे वीडियो में जो भी गलती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या फिर हमारे बोलने का तरीका आप लोग को अच्छा नहीं लगता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उस गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड आप लोग को जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा। तो फ्रेंड, आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ओके तो फ्रेंड, आप लोग को वीडियो बनाने के लिए BNF की जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग BNF को प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हो, या फिर लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोग को नीचे की ओर प्लस का आइकन मिलेगा, इस पर टैप करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करेंगे, फोटो वाले ऑप्शन पर टैप करना है आप लोग को। तो फ्रेंड, आप लोग जिस भी फोटोज़ से वीडियो बनाना चाहते हो तो यहाँ पर उन फोटो को आप लोग सिलेक्ट करना है, तो आप लोग यहाँ पर 4 फोटो को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके तो फ्रेंड, हमारी फोटोज आ चुकी हैं, आप लोग को वीडियो के एंड में आना है, यहाँ पर एक आप लोग को ब्लैक पार्ट मिलेगा, इसको आप लोग डिलीट कर देना है, फिर स्टार्टिंग में आना है। तो यहाँ पर हम लोग अपने सॉन्ग को लाएंगे, तो आप लोग को म्यूजिक का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर टैप करना है, फिर यहाँ पर आप लोग एक छोटा सा प्लस का आइकन मिलेगा, इस पर टैप करना है, स्ट्रेक फॉर वीडियो पर टैप करेंगे तो आप लोग को इस सॉन्ग वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप लोग को उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, एंड यहाँ पर आप लोग को सिंपल सा ओके पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर उस वीडियो में से सॉन्ग निकल के यहाँ पर फर्स्ट में आप लोग को शो हो जाएगा, तो इस सॉन्ग को आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा म्यूजिक बीट्स का, तो आप लोग को इस पर टैप करना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप लोग इस सॉन्ग में बीट मार्क करना है, तो यहाँ पर फर्स्ट में आप लोग को यहाँ पर बीट मार्क कर लेना है, सेकंड में आप लोग को यहाँ पर बीट मार्क ऐड करना है, फिर आप लोग थर्ड में यहाँ पर करेंगे। तो फ्रेंड, आप लोग इस सॉन्ग में 3 बीट मार्क ऐड करना है, एंड ऐड करने के बाद आप लोग टिक पे क्लिक कर देना है, तो आपकी सॉन्ग में बीट मार्क ऐड हो जाएंगी। तो आप लोग इन फोटोज़ को बीट मार्क के हिसाब से एडजस्ट करना है, तो हम लोग कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेते हैं, आप लोग भी कुछ इस तरीके से कर लेना है। तो फ्रेंड, हमारी बीट मार्क के हिसाब से फोटो एडजस्ट हो चुकी हैं, तो आप लोग की लास्ट की फोटो रहेगी, तो आप लोग को सॉन्ग के हिसाब से उसकी लेंथ को खींच लेना है, फिर आप लोग को अपने रील्स वीडियो रेशियो को सिलेक्ट करना है, तो ऊपर की ओर आप लोग को ओरिजिनल का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर टैप करना है, एंड यहाँ पर आप लोग को 9:16 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर आप लोग को फोटो पे आना है, एंड टैप करना है फोटो पे, आप लोग को जिस तरीके से एडजस्ट करना है, तो मेरी यहाँ पर सभी फ़ोटो एडजस्ट है, आप लोग कर लेना। फिर यहाँ पर आप लोग को फर्स्ट फोटो पर आना है, कुछ इस तरीके से आप लोग टाइम लाइन को जूम कर लेना है, तो यहाँ पर आप लोग सेकेंड प्लस पर आना है, इस पर टैप करना है, एंड यहाँ पर आप लोग को स्टार्ट में ही 2 ट्रांजिशन मिल जाएंगे, ब्लैक एंड वाइट, तो आप लोग इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, तो हम लोग यहाँ पर ब्लैक को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड यहाँ पर आप लोग को इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा सा कुछ इस तरीके से कम कर लेना है, फिर टिक पे क्लिक कर देना है, फिर अगले प्लस पे आएंगे हम लोग, टैप करेंगे, ब्लैक वाले ट्रांजिशन को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसकी ड्यूरेशन को कुछ इस तरीके से कम कर लेंगे, अगले प्लस पर टैप करना है आप लोग को, ब्लैक वाले को सिलेक्ट कर लेना है, फिर टिक पे क्लिक कर देना है, तो आप लोग की इन फोटो में ट्रांजिशन ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग को सेकंड फोटो पे आना है, एंड आप लोग को इस फोटो में एफएक्स को ऐड करना है, तो आप लोग को एफएक्स वाले ऑप्शन पर टैप करना है, थोड़ा सा आप लोग को स्क्रॉल करना है, एंड यहाँ पर आप लोग को जिल्टर वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है, फिर यहाँ से टिक पे क्लिक कर देना है, फिर आप लोग को अगली फोटो पर आना है, एफएक्स पर टैप करना है, एंड आप लोग को उसी इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, फिर टिक पे क्लिक कर देना है, एंड जो आप लोग की लास्ट की फोटो रहेगी उस पे आना है, एफएक्स पे टैप करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर आप लोग को एक एफएक्स मिलेगा जूम आउट का, इसको आप लोग सिलेक्ट कर लेना है, एंड इसकी लेंथ को आप लोग कुछ इस तरीके से बढ़ा लेना है, फिर टिक पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, आपका वीडियो बन के तैयार हो जाएगा, आप लोग को वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ हमारा वीडियो किस तरीके से बन के तैयार हुआ है।
तो इस वीडियो को सेव करने के लिए आप लोग को ऊपर की ओर एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर टैप करना है एंड टिक पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू टू एक्सपोर्ट पर टैप करेंगे तो आपका वीडियो सेव होने लगेगा। तो आई होप फ्रेंड हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय।